भोपाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आप ये देख सकती हैं कि जो लोग अपना कोरोना टेस्ट करवाने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से काफी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगातार इन लोगों के हमारे पास फोन आ रहे थे, इनकी जुबानी सुनना चाहेंगे कि आखिरकार क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको। नमस्कार। 1 बजे का टाइमिंग था हमारा कोरोना टेस्ट का। मैं नवीन कुमार, बुक सेलर, होम डिलीवरी की परमिशन मिली हुई थी। 1 बजे आए हमसे पहले 8 बजे वाले जो सब्जी वाले बेचने वाले आए हुए थे, अभी तक उनका टेस्ट नहीं हुआ है, तो हमारा कहाँ होगा? अभी तक कहाँ तक, किस टाइम तक वेट करनी पड़ेगी? कोई टाइमिंग का नहीं बता रहे कब तक वेट करनी पड़ेगी कि हम अपना सब्जी रोटी या कुछ खाना खुने का अरेंज करें बैठे एक साइड हो गए। तो आप ये देख सकते हैं काफी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं? नमस्कार सर जी, मैं सब्जी बेचने वाला हूँ। मेरे को सुबह फोन आया जी, सुबह आपका 8 बजे चले जाना जी, आपका टेस्ट होगा। मगर ठीक है सर, ऑफिस से फोन आ गया, मैंने सुन लिया जी। मैं अपनी सब्जी छोड़ के यहाँ पर चले आया, ना सुबह की रोटी है जी, ना पानी है जी, यहीं पर बैठा हुआ हूँ जी। सिर्फ 2 जने थे मेरे आगे से थे जी, वही की वही लाइन है जी, ना कोई एक भी निकला है, नहीं ना कोई कहते हैं भाई अंदर जाने दे जी। अब इंचार्ज बदल गए, अभी हमसे पहले और दूसरे और आगे बैठे हुए हैं, हम क्या करें जी। सुबह के अभी लग ना चाय है, ना पानी है, ना रोटी है जी। कितने लोग आप आए हैं? हम 40-50 आदमी है। तो किसी का नंबर नहीं आया? किसी का नंबर नहीं। क्या टाइम आपको दिया गया? हमारा 8 बजे का टाइम दिया था जी सुबह। अच्छा भाई, सुबह आ जाओ 8 बजे, अभी तक 3 बज गए जी, अभी तक कोई वो नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल से इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर इन लोगों को सुबह का टाइम दिया जाता है, 8 बजे का टाइम दिया जाता है, लेकिन अभी तक जो है इनका नंबर नहीं आया। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि किसी भी प्रकार का कोई पानी नहीं, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है, इनको चक्कर आ सकता है। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से समय 8 बजे का दिया है, लेकिन घड़ी में जो है 4 बजने वाली है, अभी तक जो है इनका नंबर नहीं लगा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कब से आप यहाँ पर? मेरा 1 बजे का टाइम था जी, और अभी तक बीइंग ए सीनियर सिटीजन यहाँ पर किसी को भी कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। कोई शुगर का मरीज है, किसी की इंसुलिन कम हो शुगर कम हो सकती है, किसी की बढ़ सकती है। जिस भी दौर से पूछो वो यही कहता है 2 घंटे बाद आइएगा, 2 घंटे के बाद बैठ जाओ, उसके बाद आपको बुलाएंगे, मगर कोई सुनवाई नहीं होगी। कोई सुनवाई नहीं है सीनियर सिटीजन तक तो कोई प्रेफरेंस नहीं है, जबकि सरकार को चाहिए कम से कम सीनियर सिटीजन को तो एक अलग से लाइन देनी चाहिए। सभी डिपार्टमेंट देते हैं, मगर यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। कितने लोगों का टेस्ट हो चुका है अभी तक? सर मेरा 1 बजे का नंबर था, अब 3 बज चुके हैं, मैं यहीं पर बैठा हूँ। 3 से ज्यादा बज चुके हैं साहब। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तस्वीरों को आप शेयर अवश्य कर दें। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना के हाल ही में टेस्ट होने शुरू हो चुके थे, और अब आप हालात देख लीजिए। जो समय दिया जाता है 8 बजे का समय दिया जाता है, किसी को 1 बजे का समय दिया जाता है, लेकिन व्यवस्था देख लीजिए किस तरीके से सुबह से लोग जो है भूखे प्यासे बैठे हैं, लेकिन अभी तक जो है इनका नंबर नहीं आया है। कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कहां से आए हैं, कितने बजे का समय दिया था? 8 बजे का। 3-3 से घुर जाते हैं हम लोग सर, 8 बजे 7 बजे आते हैं, घुर जाते हैं, कल भी घुर गए, परसों भी घुर गए जी। 3 दिन से आप आ रहे हैं जी? 3 दिन, लेकिन अभी टेस्ट नहीं हुआ जैसा हम लोग दिल्ली से आए तो हमारे पुलिस वाले परेशान कर रहे राम नगर पे, हम मजबूरी में दिल्ली गए थे, वहाँ से आए पर परेशान कर रहे पुलिस वाले, अब 3 दिन से घूम जाते हैं। तो ये आप व्यवस्था देख लीजिए करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल की, इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई और अन्य राज्यों से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी का भी जो समय दिया जाता है उस समय पर किसी का भी नंबर यहाँ पर जो है नहीं लग रहा। और वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहेंगे कि इन लोगों की समस्या का निवारण जो है वो अवश्य करें। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त हमें 150 से 200 लोग जो है हमें दिखाई दे रहे हैं, सुबह से लोग इसी तरीके से बैठे हुए हैं, लेकिन जो समय दिया गया था उस समय पर जो है अभी तक किसी का नंबर नहीं लगा। और भी हमारे साथ काफ़ी लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में?
के टाइम पीरियड के हिसाब से बुलाया, उस हिसाब से तो होने, सुबह के जो 9 बजे बैठे उनका नंबर भी नहीं आया, हमें तो 1 बजे बुलाया गया था, तो ऐसे ही बैठे हैं यहाँ, कोई चाय पानी कुछ किसी का अरेंजमेंट नहीं है, जबकि बोला घर से कुछ नहीं लाने दो, हम यहाँ पर सर्विस देंगे आपको जी, जब तक यहाँ टेस्ट नहीं होगा, जब लेके नहीं जाएंगे तब तक क्या सर्विस खाने। कितने कितने बजे का समय दिया था? 1 बजे का दिया हुआ है, बाकी हमारे से पहले 9 बजे वाले भी बैठे हैं यहाँ पे, तो अभी 9 बजे वाले भी बैठे हैं। कितने जी बताइए? 10 बजे के बुला रहा खाना, जिनको फोन करके लिस्ट में नंबर है उनको अभी तक बुलाया ही नहीं गया। वही चाय पानी की। तो ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं हरियाणा के करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल की, इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हैं, किसी को 8 बजे का समय दिया है, किसी को 7 बजे का, किसी को 9 बजे का, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर नंबर अभी तक किसी का नहीं लगा, जो कि एक चिंता भरी बात है। करनाल सीएम सिटी लगती है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल से, इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें और जिला प्रशासन से गुहार लगाना चाहेंगे कि जो समस्या इन लोगों को यहाँ पर आ रही है वो समस्या बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, जो समय दिया जाता है उस समय पर ही टेस्ट इनका होना चाहिए। अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।